डी ऑप्शन सही है। चलो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कहता है टू बैटरी है, दो बैटरी है, एक की ईएमएफ 4 है और एक की 8 है। ये सर्किट आप देख रहे हो कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है और 8 वोल्ट की बैटरी है। ये इसका प्लस टर्मिनल है और ये इसका प्लस टर्मिनल है, अपोजिट में कनेक्टेड है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 2 दिया हुआ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम ये है। कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पी एंड क्यू। पी कहाँ है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और करंट भी निकालना। तो सबसे पहले अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट होती है, प्लस माइनस हम सबको पता है ये प्लस है और माइनस प्लस, बैटरी ऐसे कनेक्ट, एक्चुअली इसमें थोड़ा ऐसे कनेक्ट है, ये यहाँ से माइनस वाली ऐसे कनेक्ट है और प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ से प्लस माइनस और ये, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये 4 है और एक 8 है बोल्ट। तो हम सबको पता है कि नेट ईएमएफ ऐसे केस में जो होता है वो ईएमएफ E1 माइनस E2 का मॉड, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मतलब 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4 बोल्ट नेट ईएमएफ है इस सर्किट का। और ये वाली बैटरी डोमिनेंट होगी तो यहाँ से करंट आई ऐसे फ्लो होगा, तो ऐसे करंट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगा, तो इस करंट की वैल्यू निकालनी है। तो नेट ईएमएफ पता चल गया तो करंट की वैल्यू निकाला जा सकता है। तो यहाँ से मैं करंट निकाल लूँ तो करंट आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट और नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना आ गया बोलो, तो नेट ईएमएफ बच्चों 4 आ गया, और नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो 9, 1 और 1, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 2 ओम, एक्चुअली यहाँ 1 और ये 2 ओम है, ये 2 ओम होगा, 1 लिख दिया, इट इज़ द मिस प्रिंट। तो 1 प्लस 2 प्लस 9, ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 9 दैट इज 4/12, दैट इज 1/3 एम्पीयर इज द फाइनल करेंट इन दिस सर्किट। तो ये सारे सीरीज में हैं, ये और ये सारे सीरीज में हैं, दैट इज 1/3, ये सही नहीं हो सकता, ये 3 नहीं, मतलब ये वाला सही है, ठीक है। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चलो ऐसे तो ऑप्शन सही हो गया, पर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेते हैं इसमें, 1/3 एम्पीयर करंट है, तो यहाँ से 1/3 एम्पीयर जा रही है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे जा रही है 1/3 एम्पीयर, ध्यान देना है आपको। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट पी एंड क्यू निकालना है, चलो P माइनस पोटेंशियल डिफरेंस Q की वैल्यू निकालते हैं। ये हम सबको पता है कि देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, अप एंड डाउन नोट करते चले जाते हैं, जहाँ से जाना होता है सारे वोल्टेज नोट डाउन करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। चलो मैं P से चलता हूँ इधर को, आप उधर से इधर भी आ सकते हो, आपकी मर्जी यार, मैं इधर से जा रहा हूँ तो मैं पोटेंशियल अब P नोट कर लिया, आगे बढ़ूंगा तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू उधर से 1/3 आ रही है, तो इसके अक्रॉस प्लस 1/3 और मल्टीप्लाइड बाई वन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लिया। ये आगे बढ़ा, एक बैटरी मिली प्लस 4 वोल्ट की, फिर आगे बढ़े माइनस 8 वोल्ट मिला, ठीक है, फिर आगे बढ़े यहाँ से 2 वोल्ट की बैटरी मिल गई, करंट के अपोजिट जा रहे हैं 1/3 और 2, और फाइनली पहुँच गए क्यू पर। तो ऐसे ही इक्वेशन हम लिख देते हैं, जिसको नहीं आता ये समझ लो ढंग से। तो पोटेंशियल आप पी इज इक्वल टू प्लस 1/3 माइनस 4 और प्लस 2/3 दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ क्यू। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, चलो सॉल्व करो, तो 2/3 और ये 1, 2/3 ये 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ क्यू माइनस पोटेंशियल ऑफ पी, ठीक है। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ क्यू माइनस पोटेंशियल ऑफ पी इज इक्वल टू -3, या पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ क्यू इज इक्वल टू +3। तो पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस पी एंड क्यू पूछा था तो ये +3 होगा, क्योंकि यहाँ देखो पी एंड क्यू पूछा था, तो पी एंड क्यू के बीच जो है वो +3 होगी, ये ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो,
वी आर गिवेन सेवरल्स